हेलो फ्रेंड, नमस्कार। चलिए बात करते हैं ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। ट्यूबरकुलोसिस क्या है, ट्यूबरकुलोसिस से कैसे बचेंगे, ट्यूबरकुलोसिस के सिम्टम्स क्या आएंगे और ट्यूबरकुलोसिस से आप किस तरह से बच सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्यूबरकुलोसिस है क्या और इसका कारण क्या होता है। ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसा डिसीज़ है जो कम्युनिकेबल भी होती है, यानी कि कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट भी फैलती है। सबसे पहला ध्यान रखने वाली बात यह है। दूसरा, अगर इसके इन्फेक्शन एटमॉस्फेयर में है और आप अगर वहाँ से गुजरते हैं तो वहाँ भी आपको होने के चांसेस होते हैं, उसका बैक्टीरिया बॉडी में जाने के चांसेस फुल होते हैं। अगर हम बात करें कि इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या होता है, तो माइकोबैक्टीरियम, इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो पर्टिकुलर इसका बैक्टीरिया होता है वो होता है, और एक एम अफ्रीकन भी होता है और एक एम बोविस भी होता है। अब हमें ध्यान क्या रखना है, ये कॉमन हमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हमें यहाँ पर इंडिया में देखने को सबसे ज़्यादा मिलता है। अगर हम बात करें कि इसके सिम्टम्स क्या आएंगे पेशेंट को, क्या आपको ऐसे सिम्टम्स हैं, क्या पाँच या सात ऐसे सिम्टम्स हैं जो अगर आपको हैं तो हो सकता है आपको ट्यूबरकुलोसिस हो। सबसे पहले बात करते हैं कि हो सकता है पेशेंट को कोई किसी क्लोज कॉन्टैक्ट की वजह से ट्यूबरकुलोसिस हुआ हो। नंबर वन, जैसे कोई क्लोज कॉन्टैक्ट है, या फिर हो सकता है रिकरेंट आपको इन्फेक्शन है, एक साल से रिकरेंट आपको इन्फेक्शन है, खांसी है, फेफड़ों में आपको तकलीफ है, स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो उसको उसकी वजह से भी आपको हो सकता है ट्यूबरकुलोसिस। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें, देखिए हो सकता है थ्री वीक्स यानी कि करीबन एक महीना, 20 दिन से एक महीने के आसपास आपको कंटिन्यूसली फीवर आ सकता है, कंटिन्यूसली फीवर है या फिर इससे ज़्यादा कंटिन्यूसली फीवर है, साथ में ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी के साथ में अगर आपको फीवर आ रहा है लंबे समय से, एक महीना, दो महीना, तीन महीने इवन, उसके बाद में हो सकता है आपको भूख नहीं लगती हो, आपका वेट लॉस होता जा रहा हो, वेट लॉस एकदम से सडनली, जैसे अगले नेक्स्ट मंथ में आपका वेट था 55 kg और इस मंथ में आपका वेट हो गया 48 kg या 46 kg या 45 kg, तो ये एकदम से सडन से आपका जो वेट है वो कम हुआ है, हो सकता है ये भी कारण हो। फीवर हो, कफ कोल्ड नहीं कह सकते लेकिन कफ ड्राई कफ हो सकता है, ठीक है, कंटिन्यूसली फीवर है, एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगना है, वेट लॉस है, रात में आपको पसीना आता हो फीवर के साथ में, ठीक है, ये कुछ सिम्टम्स हैं ट्यूबरकुलोसिस के, ठीक है। अगर हम इसके बचने की बात करें या इसके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स की अगर हम बात करें कि प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या हैं, कि अगर आपको ये फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं आपके साथ में तो हो सकता है आपको ट्यूबरकुलोसिस हो जाए। नंबर वन, कि हो सकता है आप स्मोकिंग करते हो, या हो सकता है आप ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ स्मोकर्स ज़्यादा रहते हो, या आपकी संगत ऐसे लोगों के साथ में हो, आपकी कंपनी ऐसी हो जो स्मोकिंग्स हो, ठीक है। बच्चों को सबसे ज़्यादा अवॉइड करते हैं, अगर आपके पास बच्चे हैं छोटे और आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो आप इसे बिल्कुल अवॉइड कीजिए, बिल्कुल भी आपको स्मोकिंग नहीं करना है बच्चों के साथ में, ठीक है। दूसरी बात, हो सकता है आपको एक साल से रिकरेंट फीवर आ रहा हो, रिकरेंट आपको कफ हो रहा हो, यानी कि खांसी हो रही हो, ड्राई कफ हो रहा हो, हो सकता है ये भी कारण है। अगर हो सकता है, मान लीजिए कि ऐसी कोई कंडीशंस आ जाती हैं जो आपको हॉस्पिटल में जाते हैं, कई पेशेंट्स को ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट हैं, तो बाय कॉन्टैक्ट या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन की वजह से भी ये परेशानी आ जाती है। अब हम बात करें इसके ट्रीटमेंट के, तो देखिए टोटली एंटी माइक्रोबियल और एंटी ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट इसमें चलता है, ठीक है। तो आपको तुरंत ट्यूबरकुलोसिस डॉक्टर्स के पास जाना है और आपको ट्रीटमेंट लेना है। प्रिवेंशन की बात करें तो जहाँ भी जाएं, ऐसी जगह पर आपको लगता है कि ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया आ सकते हैं या कोई इन्फेक्शन हमें हो सकता है, तो मास्क लगा कर जाएं, माउथ मास्क जो होते हैं उनको आप लगा करके जा सकते हैं। और कई ऐसी प्रिवेंशंस हैं जिसे आप कहीं से आए, हॉस्पिटल वगैरह से आए, तो अच्छे तरीके से हाथ धोएं उसके बाद ही खाना खाएं, और भी कई सारे प्रिवेंशंस हैं, आप वो भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आज हमने ट्यूबरकुलोसिस के बारे में जाना और आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरा एक नया चैनल है डॉक्टर ऑल इन वन के नाम से, वहाँ पर आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल में मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, हो सकता है मैं इस चैनल को बंद करना पड़े मुझे, और मैं आपको मिलूँगा डॉक्टर ऑल इन वन चैनल पर, वहाँ पर आप इसी तरह के पोस्ट्स और इसी तरह के वीडियोज़ आपको मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप मुझे सपोर्ट करेंगे और उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड।